भूल चुका है कि कोरोना है, उसको लग रहा है कि मेरा भविष्य के साथ क्या होगा। आप अधिकतर सारे लोग आप नीट की तैयारी कर रहे हो। मुझे आज भी याद है कि 24 दिसंबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी 31,000 पदों पर सरकारी शिक्षक भर्ती नीट के माध्यम से 2 अगस्त को होगी। फिर कहा गया कि कोरोना की वजह से 2 सितंबर कर दिया गया। हमने लगातार प्रयास किया, माननीय शिक्षा मंत्री से मुलाकात की, मुख्यमंत्री जी से बात पूछाई, उन्होंने कहा कि फरवरी में एग्जाम होगी। बड़ा दुर्भाग्य है, मंत्री जी के बयान आए लेकिन अभी तक परीक्षा तिथि जारी नहीं हो पाई कि कब एग्जाम होगी फरवरी में। और जैसे उन्होंने कहा था कि दीपावली से पहले विज्ञापन जारी होगा, आज तक विज्ञापन जारी नहीं हुआ। अब संशय बना हुआ है कि यदि विज्ञापन नवंबर में जारी नहीं होता तो मुझे नहीं लगता कि आपकी फरवरी 2021 में आपकी एग्जाम हो पाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात, छोटी छोटी बातों को वाद विवाद देना, बीएड एसटीसी वाले मामले पे वाद विवाद देना कि भर्ती निकाली जाए, कोर्ट में टक जाए, बेरोजगार लड़ते रहें और हमें रोजगार बेरोजगारों को नहीं देना। कोशिश की गई है कि इसको विधिपूर्व यानी कानूनी राय लेकर अन्य राज्यों की पॉलिसी, एनसीटी की जो पॉलिसी, उसका परीक्षण करते हुए ऐसा निर्णय किया जाए कि भर्ती कोर्ट में अटके, 21,000 पदों से बढ़ाकर पद बढ़ाए जाए। और सबसे बड़ी बात है, लेवल फर्स्ट में कितने पद है, सेकंड में कितने पद है और विषय अनुसार कितने पद है, ये भी यदि बेरोजगारों को बताया जाए तो बेरोजगार अच्छी तरह से तैयारी कर सकते हैं। नीट की जो विज्ञप्ति और परीक्षा तिथि और पैटर्न को लेकर करीब देश में 11,00,000 बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं। लगातार हमने कांग्रेस को समर्थन दिया, साथ रहे सत्ता में, कांग्रेस राजस्थान के युवाओं के बदौलत सत्ता में आई। लेकिन जैसे मुझे लगा कि राजस्थान के बेरोजगारों के स्वाभिमान के उनके अधिकारों के साथ चोट हो रही है और नुकसान पूछ रहा, आज बेरोजगार दुखिया परेशान है। हम ये नहीं कहते, कम से कम ये तो बताइए, इस प्रकार आप कह देते हो कि हमारे चुनाव अब होंगे, परिणाम अब आएगा और शपथ इस समय लेंगे, कम से कम बेरोजगारों को तो बता दीजिए विज्ञप्ति कब जारी होगी, एग्जाम कब होगा, परिणाम कब आएगा और उनकी ज्वाइनिंग कब होगी, बताना चाहिए। सबसे बड़ा देश और प्रदेश में सबसे बड़ा मत देने वाला हर युवा, जिसकी सबसे बड़ी भूमिका होती है, आज उनके भविष्य के साथ खेला जा रहा है। इसीलिए हमने खुली चेतावनी दी 4 नवंबर को कि हम लोग आर पार की लड़ाई का ऐलान करते हैं और 17 दिसंबर को दिल्ली कूच करेंगे। लेकिन कल जैसे भीलवाड़ा मीटिंग हुई तो हमें लगा कि चुनाव जो है 27 को भी है, 1 दिसंबर को भी है, 1 दिसंबर को भी है, 5 को भी है, 11 को भी है। तो हमने देखा कि इस बार वोट की चोट के अलावा हम दिल्ली कूच करेंगे, यानी कि 24 नवंबर को हम दिल्ली कूच करें। हालांकि मुझे ये भी पता है कि ये लोग हमारे आंदोलन को दबाने के लिए शायद मुझे कभी भी गिरफ्तार करके जेल में डाल सकते हैं, लेकिन स्पष्ट यही है जिस प्रकार ये लगातार लॉलीपॉप दे रहे हैं, सबसे बड़ी, क्योंकि आप लोग रीट के अभ्यर्थी बैठे हैं तो मैं रीट की चर्चा करना चाहूंगा, क्योंकि विजयनगर एक कस्ब में आप इतने लोग हो तो धीरे धीरे राजस्थान के हर जिले में कितने 11,00,000 बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं, 11,00,000 बेरोजगार नहीं, उनके माँ बाप, उनके परिवार सब इंतजार कर रहे हैं। विशेषकर लड़कों के अलावा लड़कियां तो वो हैं जिनको घरवाले एक लास्ट मौका देती है कि बेटी लास्ट पर मौका है, हम बार बार नहीं पढ़ा पाएंगे, किसी की शादी कर देते हैं, शादी के बाद अगले घरवाले पढ़ाते हैं या नहीं पढ़ाते, कई समस्याएं हैं, लेकिन वो इंतजार करती है कि कहने के लिए मेरे लिए मौका अच्छा होगा, 21,000 पदों पर बढ़ती है। लेकिन जिस प्रकार लापरवाही बढ़ती जा रही है, तो हमने ऐलान कर दिया है कि हम 17 तारीख को जो PCC चीफ है और शिक्षा मंत्री जी है उनका विरोध, उनके विधानसभा क्षेत्र यानी कि लक्ष्मणगढ़ से हम लोग इकट्ठे होकर वोट की चोट अभियान, हस्ताक्षर अभियान, जो आने वाले पंचायत समिति चुनाव और जिला परिषद के जो चुनाव है उसमें कांग्रेस की खुली खिलाफत करेंगे, क्योंकि हमें रोजगार चाहिए। आपने कहा वो वादा पूरा करिए, आपने कहा कि विज्ञप्ति जारी होगी दिवाली से पहले, दिवाली आने वाली है, आज 11 नवंबर है लेकिन अभी तक विज्ञप्ति का अता पता नहीं है, विज्ञप्ति जारी होनी चाहिए। इसके अलावा पैटर्न के लिए नंबर 10 के लिए कहा गया था, उसका स्वागत है, लेकिन कम से कम लोगों को पता होना चाहिए कितने पद कौन से नीचे के होंगे, लेवल फर्स्ट में कितने होंगे, सेकंड में कैसे होंगे, और जो अनावश्यक विवाद उत्पन्न किए जा रहे हैं उनके विराम लगना चाहिए। इसलिए आप ये ना सोचें क्योंकि प्रदेश के तमाम बेरोजगारों की हम आवाज उठाते हैं, कोई सी भी वर्दी हो, लेकिन आप लोग मुझे जैसे ज्ञात हुआ, मुझे बताया कि आपकी ये विजयनगर में रीट के अभ्यर्थी मिलना चाहते हैं, मुझे पता है आपके इंतजार जो रीट के लिए लगातार आप काफ़ी समय से कर रहे हैं। मैं एक चैनल पर बैठा हुआ था तो कहा गया कि बेरोजगारों को रोजगार क्या हो सकता है, 16,00,000 17,00,000 60,000 के करीब वो अभ्यर्थी थे राजस्थान पुलिस में, तो उनके एग्जाम हो सकती है, तो रीट के 11,00,000 बेरोजगारों के एग्जाम क्यों हो सकती है। माननीय मंत्री मोदी जी कहते हैं कि कोरोना की वजह से एग्जाम आगे कर दी गई, अरे भैया इनके लिए क्यों, आपके सभा कैसे हो रही है, आप भाषण कैसे दे रहे हो, आप सभा कर रहे हो, भाषण दे रहे हो,
और आप लोग दौरे कर रहे हो तो बेरोजगारों के लिए ये नियम लागू क्यों होते हैं? इसलिए इसकी विकृति जल्द जारी हो, इसके पदों का घोषणा जल्द हो, सारी चीजों को लेकर हम प्रयास कर रहे हैं। जो हमने अभियान छेड़ा था, कल हमने भीलवाड़ा मीटिंग ली है, 16-17 तारीख को हम लोग सिक्का इकट्ठे हो रहे हैं और उसके बाद दिल्ली कूच करेंगे, यानी कि आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। हमें रोजगार चाहिए, आपने वादा किया तो वादा निभाइए। इसलिए आज सभी युवा साथियों से मेरा निवेदन है कि जब तक हम लोगों को बेरोजगारों की मांगें सरकार पूरी नहीं करते, तो हमारा एक अभियान चल रहा है वोट की चोट। वोट की चोट का मतलब यही है कि जो जिला परिषद के चुनाव होंगे, पंचायत समिति के चुनाव होंगे, आप सभी युवा साथियों से भूल जाना, बीजेपी कांग्रेस कोई भी एक्सटर्नल पार्टी भूल जाना कि हम तो उसी के साथ है जो हमारे लिए काम करेगा, अन्यथा हम उसकी खिलाफत करेंगे। घर वालों कहते नहीं देंगे हम तो वोट कांग्रेस को, क्योंकि हमारे लिए रोजगार निकाले नहीं, घोषणा किया, हमने समर्थन दिया, दिया था नहीं समर्थन बताओ आप? विधानसभा क्षेत्र में दिया था ना, विधानसभा चुनाव में सत्ता में सबसे बड़ा योगदान युवाओं का था, लेकिन अब उन्हीं युवाओं के सपनों के साथ उतार का धोखा किया जा रहा है। धीरे 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 जो हमने चिंगारी जयपुर से 4 नवंबर को लगाई थी, भीलवाड़ा पूछा, आज विजयनगर हूँ, 17 तारीख को हम सीकर में चुनू वाले सब लोग आएंगे, उसके बाद हम दिल्ली पूछ करेंगे। यानी कि युवा, युवा का उल्टा होता है वायु, और वायु चलते हैं अच्छे अच्छे पेड़ पौधे उड़ जाते, तो ये नेता लोग अपने सामने कुछ है क्या? अरे हमारी ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है, मुझे तो ये भी पता है कि मुझे कभी भी ये जेल में डाल सकते हैं। 264/2019 मुकदमा दर्ज है पीसीसी के बाहर का, यानी कि 25 नवंबर 2019 को एक साल होने वाले जब मुझे जेल में डाला गया था। मैं जेल से जाने से नहीं डरता, क्योंकि किसी भी प्रदेश के बेरोजगार के सपनों के साथ कुटारघात नहीं होने दूंगा, चाहे मुझे आज ही कल जेल में डाल दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जब चाहे वो जेल में डाल दे, लेकिन आज तक की लड़ाई का ऐलान किया है, ये लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे, और कम से कम 10,000 की संख्या में हम दिल्ली कूच भी करेंगे। तमाम भर्तियां हैं, हम मांग कर रहे हैं कि तमाम लंबित भर्तियां जल्द से जल्द पूरी हो। हम मांग कर रहे हैं कि जो नई भर्तियों की विज्ञप्तियां हो, चाहे रीढ़ शिक्षक भर्ती जो महत्वपूर्ण 11 लाख बेरोजगार इंतजार कर रहे हैं उसके विज्ञप्तियों, चाहे ऊर्जा विभाग में भर्ती की घोषणा की है, चाहे ग्राम सेवक हो और चाहे आरएस भर्ती हो, चाहे इसके अलावा जो और भी भर्तियां हैं, चाहे जूनियर अकाउंट के, जो तमाम भर्ती की घोषणा की गई है उसकी विज्ञप्तियां जारी होनी चाहिए। कटनी और कंडी में अंतर नहीं होना चाहिए। आप कहते हो लॉलीपॉप देते चुनाव कि ये कर देंगे ये कर देंगे, जब मंत्री जी का बयान आया सब लोग खुश हो गए कि फरवरी में एग्जाम होगी, लेकिन ये तो बता दीजिए मंत्री जी फरवरी में कौन सी तारीख को एग्जाम होगी, ये तो बता दीजिए विज्ञप्ति कब जारी होगी। हर युवा समझदार है, हर युवा के मोबाइल में वो वीडियो है कि मंत्री जी क्या बोल रही है, सरकार क्या बोल रही है, क्या बोल रही है, सब वीडियो उनके पास है वो, लेकिन वो बदल नहीं सकते। इसलिए आप सबसे मेरा निवेदन है कि कम से कम घर बैठे बैठे वोट की चोट जो हमारा अभियान है, आप लोग सोशल मीडिया पे सपोर्ट करिए। सोशल मीडिया में जुड़े हो आप? यस सर। सारे लोग जुड़े हो? यस सर। ट्विटर अकाउंट सबके हैं? यस सर। सबके हैं ट्विटर अकाउंट? ट्विटर कम से कम ट्वीट कर सकते हो, उसको टैग कर सकते हैं, मंत्री को कह सकते हैं आप झूठ बोलो, आप विज्ञप्ति जारी करिए फेसबुक सोशल में जहां भी, क्योंकि अब लड़ाई दो तरीके होगी, सोशल मीडिया और धरातल पे हम लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया पे घर बैठे जो लोग धरातल पे नहीं आ सकते, जयपुर नहीं आ सकते, दिल्ली नहीं आ सकते, भीलवाड़ा नहीं आ सकते, कम से कम वो ट्वीट कर सकते हैं, कम से कम वो फेसबुक पे पोस्ट कर सकते हैं, कम से कम उनको पूछ सकते हैं, पूछ सकते हैं भैया आपने फरवरी के लिए कहा था क्या हुआ। तो हम सबको मिलकर इस लड़ाई को लड़ना होगा और जीतना होगा, इसमें सबसे बड़ी भागीदारी आप सभी साथियों की होगी। हालांकि मैं घर से निकल चुका हूँ, भीलवाड़ा वहाँ आ गया हूँ, और 16 तारीख को शाम को मैं सिक्का चुनता हूँ, 17 को आया, 24 तारीख को दिल्ली चुनाव, 24 के बाद मुझे पता नहीं ये नेता लोग कहाँ डाले, जेल में डाले, कुछ करें, लेकिन ये जरूर है कि नेता घर से निकल गए तो कुछ करने के लिए निकले, और इन नेताओं से डरने की आवश्यकता नहीं है। नेता हम बनाते हैं, एमएलए हम बनाते हैं, सत्ता में हम लेकर आते हैं, लेकिन हमारी लड़ाई यही है कि सिस्टम के खिलाफ है, क्योंकि कम से कम मुख्यमंत्री जी तक पता तो चले कि आने वाले जो चुनाव है उसमें कहीं युवाओं की खिलाफत करेंगे, कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। कल मैं पोस्ट देख रहा था सोशल मीडिया पे कि 4 जगह हमने जीत का परचम फहराया, चुनाव में जयपुर में, जोधपुर में, कोटा में, कह रहे कि 4 जगह उन्होंने जीत का परचम फहराया। लेकिन अब हमारी जगह सवाल हो गया कि यदि युवाओं का साथ आपने नहीं दिया, आपने जो वादे किए वो पूरा नहीं किया, तो अब जीतने हार का परचम राजस्थान के युवा कांग्रेस सरकार का फहराने का काम करेंगे। सबसे बड़ा मुद्दा, राजस्थान की भर्तियों में बाहरी राज्यों का कोटा खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बताइए आप? अरे बाबा जी का भंडारा है कि कोई आके जीत लेगा? वोट कौन देता है बताइए आप? राजस्थान वाले देते ना, तो बाहरी राज्यों वाले, जब 21 से 22 राज्यों में राजस्थान वालों को नहीं लेते, निकाल देते हैं,
गोवा में जाओगे तो कोंकणी भाषा बोलेगा, वेस्ट बंगाल में जाओ तो बंगाली बोलो, उड़ीसा में जाओगे उड़िया, बोलना लिखना सब आना चाहिए। 21 से 22 राज्य हैं जिनकी मैंने खुद ने सारे डॉक्यूमेंट इकट्ठे करके 11 अक्टूबर 2019 को माननीय मुख्यमंत्री जी को सौंपे थे। सारी चीज़ें मैंने उनके सामने रखी थी। हालांकि 3 सितंबर को मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए थे कि बाहरी राज्य का कोटा काम अधिकारी को, लेकिन आज तक इस फाइल पर कोई काम नहीं हुआ। यदि बाहरी राज्य का कोटा समाप्त होगा तो मेरे प्रदेश की युवा साथियों को ज्यादा ज्यादा मौका मिलेगा। इसलिए जब भी कोई MLA कोई भी प्रत्याशी आए, भैया नौकरी तो उनसे लो जो बाहर वालों का नौकरी लो। अरे खुले में कहो, डरना नहीं चाहिए। कोई MLA हो चाहे पार्षद प्रत्याशी हो चाहे आपके पंचायत समिति के प्रत्याशी हो, खुले में कहो, क्योंकि हम बड़ी ताकत है। वोटों की ताकत सबसे बड़ी ताकत होती है। वोट की चोट अभियान इसलिए चला रहे हैं कि हम लोग दिखा देंगे युवा है वो किसी से डरने वाले, किसी के बाप से डरने वाले नहीं है, क्योंकि उनको रोजगार चाहिए। और रोजगार के लिए आपको प्रखर होना पड़ेगा, मुखर होना पड़ेगा और जवाब देना होगा। ऐसे नहीं कि नहीं बोलेंगे साहब, ताऊ जी क्या कहेगा, अंकल क्या कहेगा। अरे अंकल जी का दोस्त है यार, मैं तो कांग्रेस का हूँ, मैं तो RLP का हूँ, मैं तो बसपा का हूँ। अरे पार्टी भूल जाइए, बेरोजगारों की कोई पार्टी नहीं, बेरोजगारों की केवल बेरोजगार पार्टी है। आप खुद अपने अपने पार्टी हो जो आपका भविष्य बनाएगा, जो आपके भविष्य के लिए सोचेगा उसके साथ में। लॉलीपॉप खूब देते हैं बिहार में, बड़ा आपने देखा होगा, मैं 20 लाख दे दूंगा, मैं 10 लाख दे दूंगा, भूल जाएंगे 10 लाख 20 लाख। हमारे भी कई बार घोषणा हुई थी कितने मौके दे देंगे, ये दे देंगे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा। लेकिन अब समय आ जाएगा, यदि हम युवा उनसे सवाल पूछने लग जाएंगे, सवाल जवाब करने लग जाएंगे, तो ये लोग झूठी घोषणा भी नहीं करेंगे। सबसे बड़ा सवाल लोकतंत्र में जो चुनाव आयोग है, ये सबसे बड़ा सवाल उठता है। चुनाव आयोग को भी स्पष्ट कर देना चाहिए, जो पार्टी जो प्रत्येक झूठी घोषणा करेंगे उसकी सदस्यता जाएगी, वो पार्टी रद्द होगी। ऐसे भी नेता लोग कभी भी झूठी घोषणा नहीं करेंगे। कभी 2 करोड़ की, 15 लाख, कभी क्या घोषणा होती है, किसी पार्टी विशेष से मतलब नहीं, लेकिन घोषणा करके युवाओं को वोट लेने की जो हमेशा लोगों ने फुटबॉल समझ रखा है, एक बार वो गोल करता है एक बार वो गोल करता है, हम फुटबॉल बन जाते हैं। लेकिन इस बार हमें विनर बनना है, फुटबॉल नहीं बनना। इसलिए सभी साथियों को ये कहना चाहूँगा, सोशल मीडिया प्लस जहाँ भी आवाज़ आपको प्रकट करनी है, आप लोग जहाँ कोई भी प्रत्याशी आए तो आप बताइए कि राजस्थान में वोट कौन देता, बोले आप फिर आप उनसे क्यों मांगने आ रहे। बाहर राज्यों का कोटा का मामला आता है तो आप बाहर वालों को लेकर, वो सवाल भी आपको उन प्रत्याशी से पूछना है। और यदि आप सोशल मीडिया में जुड़े रहना, यदि सरकार हमारी मांगे नहीं मांगती है, सरकार हमें बुलाती नहीं है, तो ध्यान रखना किसी भी हालत में कांग्रेस को वोट नहीं देना, किसी भी हालत में। और यदि सरकार बुलाती है, हमारी मांगे पूरी करती है, तो हमें वोट देने में कोई दिक्कत नहीं है। वो आपका स्वतंत्र का अधिकार, मैं भी नहीं कहूंगा कि आप कांग्रेस को वोट दो, नहीं, वो आपके स्वतंत्र का अधिकार है, आप चाहे उसको देना। यदि हमारा काम नहीं होता तो विरोध करने का हम सबका अधिकार है, आप सबको विरोध करना है। और यदि काम होता है तो आप अपनी मर्जी से दे सकते हो, आपका अधिकार है। लेकिन विरोध इसलिए करना है क्योंकि हमसे जो वादे किए वो पूरे नहीं हो पा रहे। गुर्जर समाज का आंदोलन चल रहा है, बार बार सरकार कह रही है कि हम वार्ता कर रहे हैं, हम वार्ता कर रहे हैं, वार्ता के लिए आ रहे हैं, वार्ता के लिए जा रहे हैं। डूंगरपुर में आंदोलन हुआ कि वार्ता कर रहे हैं, वार्ता के द्वार खुले, लेकिन बेरोजगारों के लिए वार्ता के द्वार क्यों नहीं खुले। आज हम 4 नवंबर को वहां, 10 नवंबर को भीलवाड़ा, 16 को भी दिल्ली जा, हमसे वार्ता क्यों नहीं की जा रही, जिसने सबसे ज्यादा समर्थन दिया, जिसने सबसे ज्यादा भूमिका निभाई। आज इसमें हर समाज का व्यक्ति बैठा है, हर समाज का, आज हर समाज के लोगों के सहयोग से सरकार सत्ता में आई है। उन युवा बेरोजगारों के लिए वार्ता के सवाल क्यों नहीं पूछे, सबसे बड़ा सवाल क्यों नहीं पूछ रहे कि आज ये युवा बेरोजगार खिलाफत क्यों कर रहे कांग्रेस का, जो बेरोजगार कांग्रेस का समर्थन दे रहे थे, पक्ष में प्रचार कर रहे थे, आज खिलाफत क्यों कर रहे, कम से कम उनकी क्या पीड़ा है। बाहर राज्य को कोटा समाप्त हो, क्या बजट का मामला है, क्या पैसे का मामला है, क्या बजट लगेगा नहीं भैया, 100 नौकरी है तो 100 राजस्थान में मिल जाए, आज उसमें 100 में से 30 को लेकर जा रहे हैं, बजट का बाढ़ थोड़ी आ रहा है। कई ऐसी समस्याएं हैं जिसको अधिकारी उलझा रखे, बिना बजट के मामले, बिना बजट के पैसे के सरकार का आर्थिक बाहर नहीं जाएगा। ऐसी जो सिस्टम में जो व्याप्त गंदगियाँ हैं उसमें तभी सुधार होगा, जैसे हम, जैसे आप सब मिलकर हम लोग आवाज़ उठाएंगे। तो आप सभी साथियों से मेरा यही निवेदन है, जो भी आपके प्रत्याशी हैं, आप सोशल मीडिया पे, आप मेरे ट्विटर अकाउंट पे पेन यादव के नाम से या फेसबुक यूट्यूब पे जुड़े दिए, मैं हर संदेश की बात लाइव रहता हूँ, हर चीज़ आप लोगों को अवगत कराता रहता हूँ। क्योंकि एक चीज़ और हो गई है सिस्टम में, एक चीज़ और हो गई है, किनको लगता है कि पेन यादव ज़्यादा की युवाओं की खिलाफत कर रहा है, युवाओं के साथ सरकार की खिलाफत कर, युवाओं को खिलाफ कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो क्या कर रहा है कि फर्जी आइडिया बनाकर मेरे खिलाफ अभियान, गाली गलौज। मैंने कहा कितनी गाली गलौज दीजिए, ये शहर है तुम्हारे बाप से डरने वाला, जेल में डाल दीजिए, ये तुम्हारी खिलाफत करेगा जब तक बेरोजगारों को उनका हक नहीं मिल जाए।
इसलिए आपसे निवेदन है कि कम से कम आप उन लोगों को जवाब दीजिए, ये लड़ाई हम सबकी है। रीट की विज्ञप्ति आएगी या उसकी एग्जाम होगी, उसका रिजल्ट आएगा या आपको ज्वाइनिंग मिलेगी, बताओ किसका भविष्य बनेगा? बताओ आपका ही बनेगा ना, आपका ही बनेगा। अरे मैं तो जान हथेली भी लेकर चलता हूँ, कभी मुझे जेल में डाल दे, पहले भी डाला है, कभी डाल सकते हैं, फिर डाल सकते हैं, लेकिन स्पष्ट मैंने इनको कह दिया, चाहे मुझे जेल में डालो चाहे कुछ भी करो, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। जब तक आपने जो वादे पूरे की आपने कहा है, घोषणा की है, वो वादे पूरे नहीं हो जाए, जब तक हमारी लड़ाई जारी रहेगी। सबसे बड़ा मुद्दा बाहरी राज्यों वाला भी सबसे बड़ा मुद्दा हर बेरोजगार हर वर्दी के लिए लागू होता है। और इसके अलावा जो रीट की विज्ञप्ति जारी हो, क्योंकि विशेषकर मैं रीट की चर्चा इसलिए बार बार कर रहा हूँ, आप सारे रीट की अभ्यर्थी हो, क्योंकि जब मेरा लाइव होता है, वीडियो होता है, उसमें तमाम भर्ती के लिए जिक्र करता हूँ कि मैं तमाम बेरोजगारों को एक जगह इकट्ठा करके ताकत के साथ पूरी सरकार से लड़ना चाहते हैं। लेकिन जहाँ आप लोगों, मैं समझता हूँ आप लोगों में जिज्ञासा है कि हमारी रीट की विज्ञप्ति कब आएगी, कब उसकी एग्जाम होगी और क्या क्या उसका पैटर्न होगा, कितने पद हो गए। तो दोस्तों ये सब जो हम राजस्थान के हर कोने कोने में जा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, तो ये केवल एक दबाव यानी सरकार को एहसास करवा रहे हैं, क्योंकि पूरे प्रदेश में आने वाले चुनाव में बेरोजगार आपकी खिलाफत कर रहे हैं। क्यों खिलाफत करें, इनकी मांग क्या है? तो उन तक मैसेज पूछ रहा है कि ये चाहते हैं कि इनकी विज्ञप्ति जारी हो, उनकी परीक्षा कितनी जारी हो। एक तरह से ये आंदोलन हमारा, ये शांतिपूर्वक आंदोलन है और हर जगह आप प्रॉब्लम जगाने को ये सारा मैसेज उन तक, जैसे कोई लाइव हमारा वीडियो होता है या मैं जैसे रात को मैं पोस्ट ट्वीट करता हूँ, पोस्ट डालता हूँ, तो वहाँ सबके पास ये मैसेज पूछ जाता है कि आज विजयनगर में, कल भीलवाड़ा, फिर सीकर में, दिल्ली में, ये हमारे खिलाफ आक्रोश है, ये आंदोलन है, कहीं ना कहीं कांग्रेस को नुकसान पहुँचा सकते हैं। सारी चीज़ें उनके पास, हर अपडेट वहाँ आईवी वाले सब लोग रहते हैं, कहीं उन तक मैसेज जा रहा है। और ये मैसेज धीरे धीरे ये चिंगारी आग के रूप में बदल जाएगी और इसका नज़ारा आप लोग 24 नवंबर को दिल्ली देखना, हजारों की संख्या में दिल्ली में हम पूछ करेंगे, आप देखना हर चैनल पे एक चीज आएगी, राजस्थान के बेरोजगारों दिल्ली पूछ गया और वहाँ बड़ा पंगा होगा, क्योंकि ये अधिकारियों की लड़ाई है, अधिकारों को लेकर ही वहाँ से वापस आएंगे। तो अभी आप सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि आप लोग सोशल मीडिया और इसके अलावा पूरा सहयोग करें, इस लड़ाई में हम सब मिलकर जीतेंगे। जय हिंद, जय भारत।